वेलकम टू आवर चैनल सेल इनसाइड। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था, हमने पढ़ा था डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद अ रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल बाय एच कारपेंटर्स मेथड। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम करने वाले वही सेम टॉपिक बट अलग मेथड से। कौन से थे? अप्रोक्सीमेट मेथड से। तो हमने सबसे पहले एच कारपेंटर्स मेथड करा था, आज अप्रोक्सीमेट मेथड करेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आईएस कोड मेथड, जिससे कि आपका सर्कुलर टैंक खत्म हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सेल इनसाइड को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं ना कि अप्रोक्सीमेट मेथड क्या होता है और इसके क्या फॉर्मुलाज होते हैं। तो देखो, अप्रोक्सीमेट मेथड, इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट द कैंटिलीवर इफेक्ट ऑन द वॉल विल बी प्रेजेंट फॉर अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल। तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट मेथड कहते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि यार इसको अप्रोक्सीमेट मेथड क्यों कहते हैं। बस इसलिए कहते हैं कि हम ना अप्रोक्स ले लेते हैं कि जो हमारा कैंटिलीवर इफेक्ट होता है ना, जो कि हमारे रिजिड बेस की वजह से हमारा कैंटिलीवर इफेक्ट आता है, ठीक है ना, वॉल पे जो हमारा ये कैंटिलीवर इफेक्ट आता है, तो ये कहते हैं कि h बाय 4 पे लगेगा या फिर 1 मीटर, विच एवर इज मोर। तो कहते हैं कम से कम 1 मीटर पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आपके 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल ज्यादा होती है तो उतने पे लगेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझो ये टोटल हाइट हमारी कितनी है, लगा लो आप 8 है, ठीक है। अब हमारी टोटल हाइट 8 है, अब इसका 1/4 अगर आप लोगे तो इसका क्या आता है, 2 आएगा, ठीक है, मतलब कि 2 मीटर बिलो द बेस, ठीक है ना। यहाँ से 2 मीटर की हाइट तक हमारा कैंटिलीवर इफेक्ट एक्ट करेगा हमारा इस पर, ठीक है ना, इस वॉल पर। तो बस इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट मेथड कहते हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली हमने ये चीज ले लिया है। अब इसमें ना ही आपको कोई टेबल देखना है, जैसे कि हमने अपने एच कारपेंटर्स मेथड में देखा था, और आईएस कोड मेथड में भी हम टेबल देखते हैं। तो मेरे लिए सबसे इजीएस्ट टॉपिक और समझाने बहुत इजी रहता है ये, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको कहीं टेबल टूबल से कुछ नहीं देखना, सिंपल बस कैलकुलेशन करते जाओ, आपका सारा कुछ आपका आंसर निकलता जाएगा। देखो, अब इसमें एक चीज बताया था, देखो इसमें अब क्या होता है, हम कहते हैं कि यार पूरी हाइट एच थी, ठीक है। अब हमने एच ये निकाल ली, कौन सी, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल पे हमारा, देखो लोड फॉर कैंटिलीवर एक्शन हमारा ये लग रहा है, बस इतने इतने पे हमारा ये लोड लगेगा, ठीक है, जो कैंटिलीवर है, और उसके ऊपर वाला सारा हमारा हुप टेंशन के लिए हो जाएगा। तो उससे हमारा देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ना कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और एक चीज इसमें और क्या आती है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है ना, उसकी वजह से हमारा बेस पे ना ये प्रेशर लगेगा WH, ठीक है, ये भी काम आएगा, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे सारे क्वेश्चन में कि कैसे सारा कुछ होता है। देखो, ये एक तरह का बेंडिंग मोमेंट इसका डायग्राम बन जाता है, ठीक है, ये हमारा कैंटिलीवर एक्शन इस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इस पर पूरा एक्ट कर रहा है। तो अभी बस यही चीज थी अप्रोक्सीमेट मेथड, बस इसलिए कहता है क्योंकि 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल लिया जाता है या फिर 1 मीटर, विच एवर इज मोर, मतलब कि दोनों में से कोई भी ज्यादा होता है। देखो, सबसे पहले हम इसके फॉर्मुला देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होगा और सारी चीजें रिपीटेड होंगी जो हमने प्रीवियस मेथड से करा है, बस इसका कैंटिलीवर बेंडिंग मूवमेंट निकालने का मेथड थोड़ा सा अलग होगा बस, और हुप टेंशन निकालने का, और बाकी सारा प्रोसीजर वही सेम रहेगा जो हमने एच कारपेंटर्स मेथड में करा था। तो देखो, ये आगे हमारे फॉर्मुला, तो फॉर्मुला देख लेते हैं। मैंने हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग फॉर्मुला पहले से करके रखे, हम डोम से शुरू हुए, डोम से मैंने पहले फॉर्मुला कर दिए थे, अभी भी मैं कर रहा हूँ, और टैंक्स के जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें भी, ताकि आपको आसानी रहे। अगर आप एग्जाम्स के लिए भी करें तो आपको फटाफट आप ये नोट कर सकते हो कौन से कौन से फॉर्मुलास हमारे आगे यूज होंगे। तो देखो, फॉर्मुला हमारे ऐसे, देखो सबसे पहले थिकनेस का तो आपको पता ही है, ये हम करते आ रहे हैं, 2 लेक्चर हो गए हमारे इस पे। देखो, थिकनेस इज इक्वल टू 30H प्लस 50mm और नॉट लेस देन 150mm। तो अगर 150mm से कम आता तो हमने 150 ले लेना, नहीं तो जो भी आता है यहाँ पे हम ले सकते हैं। एच यहाँ पे क्या है हमारा, हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक, तो जो भी हमारा यहाँ पे वाटर टैंक होगा उसकी हाइट। अब उसके बाद देखते हैं, देखो द हाइट एच अबव बेस अप टू विच द वॉल विल एक्ट एज कैंटिलीवर। तो वही मैंने अभी आपको वही समझाया ना कि अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, बस इसी के लिए कि एच हमारी क्या हो जाएगी, एच बाय 4, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक की हमारी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा और 1 मीटर, विच एवर इज मोर, एक फॉर्मुला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम हुप टेंशन पर मीटर हाइट इज, तो अब हुप टेंशन का फॉर्मुला देखो क्या होता है, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है ना, मतलब कि अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो अब अगर आपको ये टैंक अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो देखो यहां तक तो हमारा कैंटिलीवर एक्शन लग जाएगा, ठीक है, ये वाला है हाइट एच। अब देखो टोटल हमारी एच है, बिगर एच मतलब कैपिटल एच, और देखो अब इतने में क्या रह जाएगा हमारा, इतना क्या रह जाएगा, एच माइनस एच ही तो रह जाएगा, मतलब बड़ा एच माइनस छोटा एच। तो देखो इससे हमारा ये वाली आ जाएगी, ठीक है, कितनी हाइट पे लगनी है हुप टेंशन, और इंटू डी डायमीटर ऑफ द टैंक। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम प्रेशर एट बेस वॉल, तो बेस वॉल पे मैंने आपको कहा था प्रेशर एक्ट करता है, तो ये देखो वही प्रेशर यहाँ पे आएगा हमारा जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, तो वो हमारा बेस वॉल पे क्या लग रहा है, डब्ल्यू एच, ठीक है। बस यहाँ पे आपको सब कुछ पता है, बस डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। वैसे तो इसका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, 9.81, लेकिन हम अप्रॉक्स 10 ले रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं पे गिवन नहीं कि आपको 9.81 ही लेना है, तो नहीं गिवन होगा तो हम 10 लेंगे। तो अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चन में हमारे सारे फॉर्मुलास कैसे यूज होते हैं।
तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, डिजाइन ए सर्कुलर टैंक टू होल्ड 5,50,000 लीटर ऑफ वाटर विद डेप्थ ऑफ वाटर टू बी 5 मीटर। ठीक है, कि मतलब कि हमारा टैंक की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 5,50,000 लीटर की हमारी ये होनी चाहिए विद डेप्थ ऑफ वाटर टू बी 5 मीटर। तो मतलब कि हमारे एक तरह की टैंक की हाइट हमारी 5 मीटर आ गई जिसमें हमारा पानी स्टोर होगा। द जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल ऑफ द टैंक इज टू बी रिजिड। तो रिजिड तो वही हम कर रहे हैं, आपको पता है रिजिड है या फिर यहाँ पे मोनोलिथिक भी लिखा सकता है, तो रिजिड हमारा यहाँ पे बता दिया। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे बहुत ये जरूरत है कि M20 ग्रेड ऑफ, यहाँ पे स्टील की इतनी जरूरत नहीं होती जितना हमें कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए। अडॉप्ट अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर डिजाइन ऑफ टैंक, तो यहाँ पे कह दिए कि अप्रोक्सीमेट मेथड, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं होता आप तीनों मेथड में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो सबसे बेस्ट आपका अप्रोक्सीमेट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल से कुछ भी वैल्यूज नहीं लेनी होती, बस सीधा सीधा आपका सारा मेथड हो जाएगा। तो अज्यूम सुटेबल वर्किंग स्ट्रेसेस, तो यहाँ पे अज्यूम सुटेबल वर्किंग स्ट्रेसेस का मतलब होता है जो हमारे परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं ना, जिसके लिए हमारे स्टील और कंक्रीट के लिए, तो वो सारा आपको भी ऊपर इमेज आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा, ये मैंने पहले भी दिखा रखी है इमेज, तो आप इसमें देख सकते हैं आपको परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आपको मिल जाएगा। तो देखो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारी क्या है, 5,50,000 लीटर। अब लीटर्स को हम वॉल्यूम में करेंगे मतलब मीटर क्यूब में करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 1000, तो 550 मीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गई। अब डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक हमें क्या दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। एरिया ऑफ द बेस रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए, जैसे एरिया ऑफ बेस इसका एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ डेप्थ डिवाइड कर देनी है, तो 550 बाय 5 हमारी 110 मीटर स्क्वायर हमारी ये आ गई एरिया ऑफ बेस रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। अब आपको पता है देखो लेट डी बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टैंक, तो आपको फॉर्मुला मैंने पहले दिखा दिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमें डायमीटर भी निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए हमें देखो इंटरनल डायमीटर को हमने लेट कर लिया डी। अब आपको एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर आपको पता है सर्कुलर का एरिया होता है। अब आर का भी आपको पता है डी बाय 2, तो वहां से हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 110 हमारा एरिया जो भी हमने निकाला हुई। तो यहाँ पे डी आपका ना अप्रॉक्स 12 मीटर ले लिया हमने, वैसे तो 11.89 कुछ समथिंग आ रहा है, लेकिन हम अप्रॉक्स 12 मीटर ले सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये वाले लेक्चर में अप्रॉक्स लेके चलूंगा, तो डी इज इक्वल टू 12 मीटर हमारा अप्रॉक्स ये आ चुका है। अब देखते हैं आगे। तो देखो अब हमें निकालना होता है डिजाइन कॉन्स्टेंट, तो वो देखो कैसे निकलता है। देखो हमें पता है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें दिया हुआ है, तो उससे देखो सिग्मा सीबीसी हमारा 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा सी परमिसिबल स्ट्रेस हमारा देखो 115 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा, और मॉडुलर रेशियो हमारी 13 आ जाएगी। ठीक है, अब आप पूछोगे सारी की चीजें कहां से आई, तो देखो वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर एम स्क्वायर मॉडुलर रेशियो 280/3 सिग्मा सीबीसी का हमारा ये फॉर्मुला होता है, जो कि हमें IS-456 यहाँ पे देखो IS-456 2000 में लिख दिया, नेक्स्ट ईयर बी पे आपको 1.2D पे आपको क्लॉज नंबर में मिल जाएगा। देखो मैं हर एक लेक्चर में कराता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी बन जाए, क्योंकि मुझे पता आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख के ही आए हो इस वीडियो पे, तो ये आपको पता है यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना IS-456 में, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये नहीं कि चलो लेक्चर बड़ा हो जाए, लेकिन आपको इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपको कोई लास्ट वीडियो नहीं देखनी। अगर मेरी कोई पहली वीडियो अभी देख रहा है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ ये। तो देखो ये आगे हम एनेक्सर बी पर, और हमारा पेज नंबर है यहाँ पे 80। तो देखो हम क्लॉज नंबर आगे 2.1.2 पर, और देखो इसका डी पार्ट में हम यहाँ पे आता है द मॉडुलर रेशियो एम हैज द वैल्यू 280/3 सिग्मा सीबीसी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेयर सिग्मा सीबीसी इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एज स्पेसिफाइड इन टेबल नंबर 21। तो टेबल नंबर 21 हमारा जस्ट नेक्स्ट पेज पर है, तो आप देख सकते हैं M20 के लिए हमारा सिग्मा सीबीसी कितना 7 दिया हुआ है, तो बस यही 7 हमारा यही सिग्मा सीबीसी यहाँ से टेबल से हमने यहाँ पे इनटू में हमने 7 कर दिया, और इससे हमारा क्या निकल जाएगा 13 आ जाएगा, अप्रॉक्स 13 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफाई वैल्यू लेनी पड़ती है, 13 ले लो, 12 ले लो, 11 ले लो, लेकिन जो भी आपको कैलकुलेशन से करता है उसके आसपास, तो हमारा 13.33 शायद कुछ आता है, तो हमने अप्रॉक्स 13 ले ली। ठीक है, बस बाकी सारी चीजें आपको पता है, ये आपको पता चल गया ना 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कहां से है, ये मैं आपको दिखा चुका हूं। तो देखो अब कैलकुलेट डिजाइन कॉन्स्टेंट, तो डिजाइन कॉन्स्टेंट देखो आपको पता है 3 तरह के होते हैं, देखो के, जे और आर। ठीक है, अब इनका ये फॉर्मूला है, जो जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हो या तो मैंने अजम्पशन लिया या फिर हमारा थंब रूल है या फिर एक फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब देखो के का हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई एम इंटू में सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास सारी वैल्यूज है आपके पास। ठीक है, बस इसमें आपने पुट करे तो हमारा के कितना आएगा 0.442। तो देखो अगर आपको ये वैल्यूज याद भी होती है ना, तो आपकी चीजें करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी कैलकुलेट करी है ना चीजें, आप सीधा भी लिख सकते हो वैल्यूज, क्योंकि M20 ग्रेड के लिए ये चीजें होंगी। ठीक है, हर एक ग्रेड के लिए अलग अलग स्पेसिफाई वैल्यूज हो जाती है, तो M20 ग्रेड ही हमारा मोस्टली यूज होता है जब हम ये डिजाइन करते होते हैं। तो देखो फिर आपको K की वैल्यू, J की वैल्यू और R की वैल्यू सेम ही रखनी है, क्योंकि इनमें कुछ भी बदलता नहीं। ठीक है, ये हमारे ग्रेड के साथ बदलते हैं। तो देखो अब J का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1-K/3, तो 1-K/3 यहाँ पे K की वैल्यू हमने निकाली है 0.442, तो यहाँ पे हम डाल देंगे डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो अभी J की वैल्यू आ जाएगी। अब R की वैल्यू निकालेंगे हाफ इंटू सिग्मा सी बिटवीन जे इंटू के, तो मतलब इससे पता चलता है कि पहले के निकालना पड़ेगा, फिर जे, फिर आर।
ठीक है, ये नहीं कि आप पहले आर निकाल सकते हो या जे निकाल सकते हो, मतलब स्टेप वाइज चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप के निकाले जे निकाले, अब आर में हम ये सारी वैल्यूज डालेंगे और हमारे यहाँ पे निकल जाएगा आर 1.32, तो ये सारी चीजें आपके पास निकलेगी के जे आर। तो देखो जो जो हमने फॉर्मुलाज पहले देखे थे अब सारे वो पुट कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मुलाज हम सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, बस अब सीधा सीधा फॉर्मुलाज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले था हमारा थिकनेस ऑफ वॉल, तो इसका आपको थंब रूल पता है 30h + 50। ठीक है, अब 30 इंटू हाइट हमारी 5 थी, तो प्लस 50 हमारी 200 mm आ गई। ठीक है, और इन्होंने कहा कि नॉट लेस देन 150, तो 150 से तो ज्यादा ही 200, तुम्हारी 200 mm आ गई, मतलब थिकनेस ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है द हाइट अबव बेस अप टू विच द वॉल विल एक्ट एज ए कैंटिलीवर, तो इसी से तो हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड जाना जाता है, तो वही हमारा देखो h = h/4 जो कि हमारी वाटर इन टैंक है, सॉरी हाइट ऑफ वाटर इन टैंक है डिवाइडेड बाय 4 और 1 meter विच एवर इज मोर। तो देखो 5 हमने पुट करा डिवाइडेड बाय 4 करा, तो हमारा आएगा 1.25। ठीक है, ये हमारे 1 से ज्यादा है तो मतलब ही ठीक है, चलो 1.25 हमने ले ली। हमने कहा कि यार टैंक में ना अबव बेस से हमारा ये यहाँ तक समझो ये 1.25 है, तो यहाँ तक हमारा कैंटिलीवर एक्शन लग रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, रिजिड बेस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ तक लग रहा है तो इसके लिए अलग से हम डिजाइन करेंगे रिइंफोर्समेंट, और इसके इतनी एरिया के लिए हम अलग से रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट आता है, देखो मैक्सिमम हुप टेंशन एट दैट लेवल पर मीटर हाइट इज, तो देखो हमने ये तो अभी निकालना है, तो इससे पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हमारी हुप टेंशन का है, देखो T = ½ × W × H − H × D। तो देखो आपको पता है हाइट ऑफ वाटर इन टैंक हमारी कितनी है, 5 है। ठीक है, अभी माइनस हमने कितनी निकाली है, 1.25, तो 1.25 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 10 आपको पता है हमने स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर लिया हुआ है और डी हमारा है, तो डायमीटर आपने निकाला था 12, तो यहाँ से आपका क्या आता है मैक्सिमम हुप टेंशन 225 kN। ठीक है, अब आपकी ये तीन चीजें आ गई, आप इसको याद रखना। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर एक्शन। ठीक है, ये चीज तो होगी, अब हमें ये चीज भी तो करनी है कैंटिलीवर एक्शन के, तो अब वो डिजाइन करते हैं। तो देखो अब आता हमारा डिजाइन फॉर कैंटिलीवर एक्शन, एक बार मैंने यहाँ पे बना लू आपको ताकि आसानी रहे। तो देखो एक बार हमारा ऐसे था और ये चीज ऐसे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ऐसे हमारे कैंटिलीवर मूवमेंट हमारी, ये सारी बेंडिंग मूवमेंट है हमारी, ऐसे लग रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने कहा था मैक्सिमम प्रेशर एट बेस ऑफ वॉल, तो बेस ऑफ वॉल पे हमारा मतलब कि ये हमारी बेस पे क्या लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है डब्ल्यू एच। ठीक है, जीरो से हमारा यहाँ पे डब्ल्यू एच तक पहुंचता, तो ये कितना हमारा टोटल लगा है, 10 × 5 कर देंगे सिंपल, तो 50 हमारा यहाँ पे लग रहा है, तो 50 हमारा यहाँ पे कितना लग गया, मैक्सिमम प्रेशर लग गया। अब इसके बाद देखते हैं देखो मैक्सिमम कैंटिलीवर मूवमेंट, तो देखो मैक्सिमम कैंटिलीवर मूवमेंट का मैंने सीधा ही ब्लू पेन से लिखा है, क्यों लिखा है अभी बताता हूं। देखो 1/2 × 50 × 1.25 × 1.25/3। अब आप पूछोगे सर ये कहां से है, देखो यहाँ पे ये 50 हो गया और ये हमारी हाइट कितनी थी हमारी जहां पे कैंटिलीवर एक्ट कर रहा था हमारा 1.25 meters। ठीक है, अब आपको पता बेंडिंग मूवमेंट निकालने, बेंडिंग मूवमेंट देखो कैसे निकली, 1/2 × base × height और हमारे यहाँ पे सी जी, फिर सी जी आपको पता है ट्राइंगल का क्या होता है, जब हम आपको बीच में करते हैं, एक हमारा 1/3 होता है और एक हमारा 2/3 होता है। ठीक है, तो हमने यहां से नीचे से ऊपर चले तो 1/3 हमारा होगा, तो हमने 1.25 / 3 मतलब 1/3 मतलब कि ये जो हमारी हाइट होती है, तो ये हाइट बाय 3 होता है। ठीक है, तो ये हाइट बाय 3 हमारे आ गया 1.25 / 3। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h/3। ठीक है, अब बस इसमें ये चीज होती थी। ठीक है, बस बाकी में सब में हमारे फॉर्मुलाज थे, इसमें हमारा फॉर्मुला नहीं है, इसमें हमें ऐसे ड्राइव करना पड़ा, तो यहाँ से हमारी मूवमेंट क्या आ जाएगी, 13.02 kN। ठीक है, अब आपकी मूवमेंट भी आ गई। अब देखो रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ वॉल फ्रॉम बेंडिंग मूवमेंट कंसीडरेशन, तो देखो हमने सारा कुछ तो डिजाइन कर लिया, लेकिन जो हमने अभी थिकनेस निकाली थी ना, एक बार मूवमेंट की वजह से हम देख लेते हैं कि हमारी जो थिकनेस आई थी वो सही भी आई या फिर नहीं आई। तो देखो डी का यहाँ पे आपको फॉर्मुला पता है, देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में D = √m/r×b। ठीक है, आर अभी आपने निकाला था 1.32, बी आपको पता है यूनिवर्सल होता है हमारा 1000 mm। ठीक है, आपको पता है ये हमारा 1000 mm हमारा यूनिवर्सल होता है बी का हमारे बेल्ट का, और देखो मूवमेंट हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 13.02 × 10^6 क्यू आएगी, क्योंकि हमने न्यूटन mm में कर दिया। ठीक है, तो 13.02 × 10^6, तो यहाँ से हमारी डी कितनी आएगी, 99.3 mm। तो हेंस अडॉप्ट थिकनेस ऑफ वॉल T = 200 mm इज इन ऑर्डर, मतलब कि जो हमने अडॉप्ट करी थी ना, जो हमने थिकनेस ली थी वो ठीक है। अगर देखो अगर यहाँ पे समझो कुछ आती है हमारी 250 आती, सपोज कर रहे हैं, वैसे इतना होगा नहीं, देखो अगर आपकी 250 आती तो मतलब कि आपकी 200 गलत हो जाती, आप 250 लेके करते। ठीक है, 150 से ज्यादा तो क्राइटेरिया कर लिया, लेकिन अगर इसका ही ना सही होता जो कि हमने मूवमेंट लिया है, तो फिर सब कुछ फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो फेलियर हमने करवाना नहीं, तो जैसे तो उसके लिए हम ले रहे थे 250। ठीक है, पर अभी हमें वो हमारा कुछ कंडीशन है ही नहीं, बस हमने कर लिया डॉक थिकनेस ऑफ वॉल T = 200 mm। तो देखता हूँ आगे क्या होगा, तो देखो अज्यूमिंग अ कवर ऑफ 30 mm अप टू द सेंटर ऑफ मेन बार्स ऑन वाटर साइड देयरफॉर इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वॉल। तो देखो हम कहते हैं कि जो हमने अभी थिकनेस ऑफ वॉल जो हमने ली थी ना हमारी, जो हमारी 200 थी, हमने कहा वो तो चलो एजुकेट है, ठीक है। अब देखो अब कहते हैं कि जो हमारी ना वाटर साइड होती है ना, जो इनर साइड होती है, हम कह रहे हैं उसमें कवर ले रहे हैं, कवर ले रहे हैं कितने का, 30 mm का हम कवर ले रहे हैं, इफेक्टिव कवर ले रहे हैं, तो उससे हमारी इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वॉल क्या हो जाएगी, हमारी इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगी हमारी 170 mm, क्योंकि इससे माइनस कर देंगे। तो देखो 200 - 30 कर हमारे 170 mm। तो देखो अब एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड का फॉर्मुला आपको पता है, ये हमारा फॉर्मुला होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो एरिया ऑफ स्टील हमारा क्या होगा, m मूवमेंट / J / D / σ st।
ठीक है, मूवमेंट अभी हमने निकाली 13.02 × 10⁶ डिवाइडेड बाय जे 0.853 आपने वैल्यू निकाली थी, आप देख सकते हैं पीछे करके, इंटू में 170 अभी हमने डी निकाली, इंटू में 115 आपको पता है सिग्मा एसटीएम मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो देखो एरिया ऑफ स्टील हमारी यहाँ पे जाते हैं 780 mm². तो देखो यहाँ से जो अभी तक हमने 780 mm² तक करा है ना, मतलब यहाँ तक ना सारा सेम था, मतलब यहाँ तक सॉरी सारा डिफरेंट था, अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं ना वो सारा सेम है जो कि हमने एच कारपेंटर्स मेथड में करा था। ठीक है, बस हमें यहीं तक होता है कि मूवमेंट कैसे निकलेगी, बस इसका ही फर्क पड़ता है, बाकी सारा मेथड सेम होता है। मैं यहाँ पे लिख भी सकता था, आप सेम उसकी तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कोई टाइम ना खराब हो, वापस आप उधर जाते फिर देखते कि कहाँ से वो शुरू हुआ, तो मैंने सारा आपने करा हुआ है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सब मिल जाएगा। देखो हमारे एरिया ऑफ स्टील 780 mm² आ गया, तो हम कह रहे हैं कि यूजिंग 69 डाया बार, ठीक है 69 डाया बार हमने ले लिया, स्पेसिंग हमारी क्या है जी, फॉर्मुला आपको पता है एरिया 1 बार × 1000, मतलब ये भी हमारा बी होता है वैसे तो फॉर्मुला यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पे एरिया 1 बार हमारी 201 mm² थी, तो यहाँ पे हमने पुट करी तो हमारी वैल्यू आगे 257.7, मतलब 257.7 mm, ठीक है, लेकिन हमने उसको अप्रॉक्स कर दिया, इसको हमने अप्रॉक्स कर दिया था 250 mm सेंटर सेंटर, अप्रॉक्स थोड़ा कम ही करो, स्पेसिंग में एरिया में ज्यादा करो, स्पेसिंग में कम करो, तो 250 mm सेंटर टू सेंटर, देयरफॉर प्रोवाइड 69 डाया बार्स 250 mm सेंटर टू सेंटर इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स ऑन द इनर फेस ऑफ वॉल। क्योंकि हमने सिर्फ वाटर साइड करा ना, तो वाटर साइड हमारा अंदर वाली साइड आएगा, तो तभी इन्होंने बोला इनर फेस ऑफ वॉल पे हमें प्रोवाइड करना है 16 mm डाया बार्स एट 250 mm सेंटर टू सेंटर इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। जैसे वर्टिकल बार्स हमें प्रोवाइड करने हैं सिर्फ इनर फेस पर, ठीक है इनर फेस पर हमें प्रोवाइड करने हैं, मैंने ऐसी कर दिया इनर फेस पे हमारे वर्टिकल बार्स प्रोवाइड होंगे। तो अब देखते हैं आगे, तो देखो अब हम निकालेंगे डिजाइन फॉर मैक्सिमम हुप टेंशन, तो इससे पहले हम कैंटिलीवर एक्शन के लिए निकाल चुके हैं, तो अब हम निकालेंगे हुप टेंशन के लिए। तो देखो मैक्सिमम हुप टेंशन हमें निकल चुकी है हमारी 225 kN। अब देखो अब इसको लेते हम एरिया ऑफ हुप रिइंफोर्समेंट निकालेंगे, तो क्या होगा टी बाय सिग्मा एसटी। तो आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मुला, आपको क्या पता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया में निकालना, तो स्ट्रेस हम नीचे लेंगे, तो फोर्स हमारी ये टेंशन ही है हमारी 225 kN, उसको हम 10³ में कर लेंगे जो कि हमारा न्यूटन में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एसटी, तो आपको पता है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ स्टील हमारा 115 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ स्टील क्या आ जाएगा 1960 mm², तो एरिया ऑफ हुप रिइंफोर्समेंट ऑन ईच फेस। तो देखो ईच फेस मतलब हमारे आपको पता है कि जो हमारा रिजिड बेस में होता है, तो आपके दो फेस होता है, एक हमारा इस तरफ होता है एक हमारा इस तरफ होता है, तो ऐसे करके हमें दोनों तरफ प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, हमारे वर्टिकल बार्स भी ऐसे प्रोवाइड होते हैं और हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं, सॉरी जो हमारी हुप रिंग्स होती है ना वो होती है हमारी अंदर को ऐसे प्रोवाइड, ठीक है हुप रिंग जो हमारी प्रोवाइड होगी जो भी हम कर रहे हैं हुप टेंशन की वजह से, वो भी हमारी दोनों फेस पे प्रोवाइड होती है। तो तभी हमने लिखा एरिया ऑफ हुप रिइंफोर्समेंट ऑन ईच फेस, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सिंपली हम कहते हैं कि हाफ ऑफ करेंगे, टोटल एरिया को हाफ ऑफ कर देते हैं, तो 1960 / 2 हमने कर दिया तो 980 mm² आ जाएगा। तो अब यूजिंग 12 mm डाया बार्स जिसका कि एरिया 1 बार हमारा क्या हो जाएगा 113 mm² और स्पेसिंग हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो 113 × 1000 डिवाइडेड बाय 980, तो आपको पता है कि हमने पहले स्पेसिंग का फॉर्मूला लिखा हो, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 115.3। अब हमने इसको अप्रॉक्स करके क्या कर दिया 110 mm सेंटर टू सेंटर, तो मैंने कहा 110 mm ठीक है, वहां पे अगर आप प्रैक्टिकल भी करोगे फिर भी आप ले सकते हो 110, लेकिन 115 या फिर 115.3 लेना वहां पे मुश्किल हो जाता, तो हमने ये कर दिया। तो देखो प्रोवाइड 12 mm डायर रिंग्स एट 110 mm सेंटर सेंटर ऑन बोथ फेसेस ऑफ द वॉल, ठीक है अब दोनों फेसेस हमें प्रोवाइड कर देने हैं, ठीक है ना 12 mm डायर रिंग्स जो कि हमारी हुप टेंशन होती है, ठीक है ऑन बोथ फेसेस ऑफ वॉल। अब एक चीज रहेगी कौन सी एरिया प्रोवाइडेड, अब देखो ये तो हमने नॉर्मल एरिया हमने निकाला, लेकिन जो हमने प्रोवाइड करा स्पेसिंग को लेके, तो उसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा एएसटी प्रोवाइडेड 2054 mm², ठीक है हमने ऐसे स्टील तो प्रोवाइड कर दिया था ये वाला, लेकिन पूरा हमने एरिया कितना प्रोवाइड करा 2054 mm², तो देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो उससे हम निकालेंगे चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेसिव सेक्शन, तो उससे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस का निकलेगा, ठीक है ना मतलब चेक हो जाएगा एक तरह का। तो आपको ये थंब रूल पता है सिग्मा सीटी इक्वल टू टी बाय टी जो कि हमारा यहाँ पे थिकनेस है इनटू 1000 + m - 1, ठीक है यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो हम पहले से निकाल चुके हैं, और एटी जो है ना यहाँ पे हमारा प्रोवाइडेड है जो कि हमने अभी निकाला 2054, ठीक है तो यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यूज भरनी है। देखो 225 × 10³ न्यूटन में कर लिया हमने किलोन्यूटन को, 225 हमारा किलोन्यूटन था, डिवाइडेड बाय देखो 200 हमारी थिकनेस, टोटल थिकनेस लेनी है यहाँ पे इंटू 1000 + मॉडुलर रेशियो आपकी 13 थी तो -1, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में इंटू 2054, तो यहाँ से आपको सिग्मा सीटी पता क्या निकलता है 1.0 newton mm², ठीक है 1.01 कुछ निकलता है न्यूटन पर mm², ठीक है। अब देखो ये जो हमारा M20 ग्रेड के लिए ना मैंने आपको सबसे पहले आपको दिखाई भी थी ना स्क्रीन पे, हमारा सिग्मा सीटी M20 ग्रेड के लिए हमारा 1.2 होता था, उसमें मेंशन होगा ना प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, तो उसमें हमारा 1.2 होता है, और हमारा अभी जो हमने सब कुछ प्रोवाइड करा है उससे हमारा 1.0 आ रहा है, मतलब हैंड सेफ, मतलब ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉम्पोजिट सेक्शन का हमारा पूरा ये सेफ में रहेगा। तो ये हमारा एक तरह का चेक हो जाता है, चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉम्पोजिट सेक्शन। तो अब ये हो गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा।
तो देखो अब आता है हमारे कंटेनमेंट ऑफ हुप रेनफोर्समेंट। तो देखो अब हमें हर एक मीटर पे भी बताना है कि ना कितनी रेनफोर्समेंट डलेगी हुप रेनफोर्समेंट। देखो मैक्सिमम तो आपको पता है कितने पे डलगी हमारी, मैक्सिमम हमारी 3.75 पे डलगी, ठीक है। मतलब ये ऊपर से अगर आप 3.75 पर आओ तो हमारी इतने मीटर पे हमारी सारी है मैक्सिमम हुप रेनफोर्समेंट डलगी। तो अब हम देखेंगे 2 मीटर पर भी और 1 मीटर पर भी, और बहुत ही ईजी है, हमें करते ही आ रहे हैं। तो देखो एट 2 मीटर बिलो टॉप, तो 2 मीटर हम ऊपर से देखेंगे कितने पे। देखो हुप टेंशन हमारी यहाँ पे क्या आएगी, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एच इंटू डी। तो देखो सिर्फ एच पे देखनी थी, मतलब 2 मीटर पे देखनी, तो इंटू टू, ठीक है। उससे हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन हमारी 120 किलोन्यूटन। मतलब 2 मीटर ब्लॉक पे हमारी हुप रेनफोर्समेंट के लिए जो हमारी हुप टेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 120 किलोन्यूटन। तो उससे हमारा देखो एरिया ऑफ एनफोर्समेंट भी हमारे सेम निकला, सेम प्रोसीजर है, बस अलग अलग मीटर्स पर होगी। तो देखो एरिया ऑफ एनफोर्समेंट हमारे यहाँ पे टी बाई सिग्मा एस टी, तो हमारा अब टी कितना हमारा 120 है। तो 120 टेन रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाय 115, इससे हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना आया था, 1043 mm². अब ये स्टील आ गया हमारा, देखा टोटल एरिया ऑफ स्टील जहाँ पे 2 मीटर ब्लो पे आया हमारा। अब इससे देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ऑन ईच फेस। तो पहले भी हमने ईच फेस पे करा था, अब भी ईच फेस, ये नहीं कि हमने मैक्सिमम पे तो दोनों साइड प्रोवाइड कर दी लेकिन ऊपर जाके हम एक फेस पे हो गए, लेकिन तो ऐसा नहीं होता, तो हमें दोनों फेस पे प्रोवाइड करना होता है। देखो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ऑन ईच फेस 1043 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 to 1.5। तो हमने इसको प्रॉक्स ले लिया, मैंने कहा था एरिया आप थोड़ा सा प्रॉक्स ज्यादा ले सकते हो, तो 5 to 5 mm². तो देखो हमने ऐसे एरिया भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब उससे हमारा क्या हो जाएगा, देखो यूजिंग 12 mm डायर रिंग्स। अब हम स्पेसिंग के लिए रिंग्स भी तो देखे ना कितने के लेने, तो 12 mm डायर रिंग्स की ले लिए जिसका एरिया 113 mm² है। तो स्पेसिंग हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 113 × 1000/5 to 5, तो यहाँ पे हमारे 215.2। तो यहाँ पे अप्रॉक्स हमारी क्या आ जाती है, देखो हमने अप्रॉक्स ले ली 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो देयरफॉर प्रोवाइड 12 mm डायर रिंग्स एट 200 mm सेंटर टू सेंटर एट 2 मीटर बिलो टॉप, ठीक है। 2 मीटर बिलो टॉप पे हमने कह दिया कि हमारा ये वाला करो, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे 12 रिंग्स प्रोवाइड करो 200 mm सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारा देखो एट 1 मीटर बिलो टॉप, तो बस इसका डबल कर दो। वैसे तो अगर आप लिख सकते हो कि आपको पता है कि कंसेप्ट क्या होता है, तो आप सीधा लिख दो कि प्रोवाइड 12 mm डायर रिंग्स एट 400 mm सेंटर टू सेंटर एट 1 मीटर बिलो टॉप, ठीक है। वैसे तो आप ये सीधा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप ये मत लिखना, लेकिन फिर चलो आपको समझाया, तो सिंपल क्या होता है, बस क्या होता है कि जैसे हमने 2 मीटर तक करा, अब 1 मीटर जब आएंगे बस इसका जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। इससे एरिया हाफ हो जाएगा लेकिन स्पेसिंग हमारी डबल हो जाएगी। कैसे, देखो एरिया ऑफ एनफोर्समेंट हमारी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 1043, तो यहाँ पे 5 to 1.5 है, जो कि हमारा 525 हमने अप्रॉक्स लिया था। वहां पे हमारा एरिया ऑफ एनफोर्समेंट ये ईच फेस था, मतलब ये हर एक फेस पे था, लेकिन यहाँ पे हमारा टोटल आ गया, तो बस इसका ही हाफ हो जाएगा ऑन ईच फेस। तो स्पेसिंग हमारी देखो डबल हो जाएगी, तो स्पेसिंग हमारी यहाँ पे 262 आ जाएगा, ठीक है, वहां पे 525, तो यहाँ से हमारी स्पेसिंग डबल हो जाएगी, जो कि हमारी 400 mm सेंटर सेंटर आ जाएगी, ठीक है। वही हमने सेम प्रोवाइड करा यूजिंग 12 mm डायर रिंग्स, तो इससे हमारा क्या होगा, प्रोवाइड 12 mm डायर रिंग्स एट 400 mm सेंटर एट 1 मीटर बिलो टॉप। तो बस वही अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सिंपल भी ले सकते थे, देयरफॉर प्रोवाइड 12 mm डायर रिंग्स एट 400 mm सेंटर एट 1 मीटर बिलो टॉप, ठीक है। बस ये अगर 2 मीटर लिख देते, उसके बाद 1 मीटर बिलो पे आप ये लिख सकते थे, ठीक है। अब इससे तो हमारी कंटेनमेंट ऑफ एनफोर्समेंट पूरी निकल गई, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो देखो मैं लास्ट में ना आपको दिखाऊंगा कि हमारा पूरा हमारा क्या बनता है, रेनफोर्समेंट ड्राइंग हमारी क्या बनती है। तो अब ये मत सोचना कि सर आप सिर्फ स्टील ही निकलवाई जा रहे हो, ये तो दिखाई नहीं रही कि कहाँ पे डलेगा कहाँ पे नहीं, तो ये सर हम लास्ट पे रखते हैं, ठीक है। लास्ट पे हमारा बनता है, तो लास्ट में सारा कुछ चेक करवा दूंगा आपको, ये चीज मैंने प्रोवाइड करी है। तो देखो अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हमारा वर्टिकल बार्स में प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, वर्टिकल बार्स में हमारा प्रोवाइड करा जाता है। मैं पहले बता रहा आपको परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, तो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारी क्या है, 0.3 - 0.1 ब्रैकेट में t - 100/350%। तो देखो ये एक थंब रूल है हमारा परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स निकालने के लिए, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो याद क्या ही करना, बस टी है, टी एक अलग डलेगा जो कि हर एक में फर्क पड़ जाता है। तो पहले हमारा शायद 180 था, अब हमारा 200 हो गया, मतलब 180 हमारा लास्ट क्वेश्चन में था, हमारा 200 हो जाता है। 200 यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज पता कि नहीं निकलता, 0.27%। अब इसको देखते हुए हम करेंगे अपना एरिया ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब कि इसको देखते हुए कितनी प्रोवाइड करनी है एरिया ऑफ एनफोर्समेंट हमने वर्टिकल बार्स में, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट कहलाती है। देखो 0.27% ऑफ कंक्रीट एरिया, जो कि हमारा क्या होगा, थिकनेस इंटू बी, ठीक है, ब्रेथ। तो टी हमारा देखो यहाँ पे क्या है, 200 × 1000 हमारी ब्रेथ है, तो यहाँ से आपका 540 mm² हमारा निकल जाएगा एरिया ऑफ एनफोर्समेंट, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट है और वर्टिकल बार्स में प्रोवाइड करी जाएगी। अब देखो एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस, जो कि हमारी 540/2, देखो ये भी हमारी ईच फेस पर होगी, ठीक है, दोनों तरफ होगी। तो देखो 540/2 हमारी 270 mm² आ गया, तो देखते हैं बाकी क्या होगा। देखो 270 mm² हमारी एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस तो है ही। तो अब देखो यूजिंग 8 mm डायर बार्स, तो हमने हर कहीं 16 ले लिए 12 ले लिए, तो हम चलो कहते हैं कि 8 mm ले लेते हैं, आपकी मर्जी, आप 10 भी ले सकते थे, ऐसे कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको 8 ही लेना है। तो इसकी इसका एरिया ऑफ वन बार क्या होगा, 50.5 mm², तो यहाँ पे स्पेसिंग आपको क्या होगी, 50.5 × 1000/270, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील है यहाँ पे ऑन ईच फेस है तो 270, एक फेस का ही देख लेते हैं, दोनों तरफ सेम ही तो प्रोवाइड करना है। तो
फिजिकल टू 187, तो यहाँ पे अप्रोक्स हमारा क्या है 190 एमएम सेंटर टू सेंटर, ठीक है मैंने 187। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि स्पेसिंग कभी भी ज्यादा ले ली, लेकिन इतने में चलता है ठीक है, जीरो देखो 003 एमएम इतना बढ़ा सकता हूं मैं ताकि हमारा 190 आए। 180 भी आपको करना था कोई दिक्कत नहीं है, 180 भी आप कर सकते थे, मुझे 190 ठीक लगा था मैंने 190 के लिए। तो देयरफॉर प्रोवाइड 8 एमएम डाया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है 8 एमएम डाया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स एट 190 एमएम सेंटर सेंटर ऑन एक्सटर्नल फेस ओनली। तो आप पूछोगे सर एक्सटर्नल फेस क्यों है, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि यहाँ पे बोथ फेस, क्योंकि हमने ईच फेस पे तो हमने रिइंफोर्समेंट निकाली, मैं बताता हूं अभी क्यों। तो देखो हमने डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट देखो हमने पता हमने जो वर्टिकल बार्स हमने निकाल लिए पहले, तो हमने इनर साइड तो निकाल ही लिए ना, इनर साइड के तो हमने निकाल लिए ना, जो हमने कैंटिलीवर एक्शन की वजह से हमारे इनर साइड तो हमारे निकल गए, हमें आउटर साइड चाहिए था सिर्फ, तो इसलिए एक्सटर्नल फेस ओनली हो गया, अब सिर्फ आउटर साइड का हमें वर्टिकल बार्स चाहिए थे जो कि हमारे ऐसे होगा। अब आप पूछोगे सर ईच फेस क्यों करा, फिर वही एरिया से सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन यार इक्वली डिवाइड तो करना ही ना, एक बार हमने प्रोवाइड कर चुके कैंटिलीवर एक्शन, ठीक है कभी कभी पता क्या होता है कैंटिलीवर एक्शन की वजह से भी ना कभी कभी वो स्टेबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें दोनों फेस पे करना था, लेकिन यहाँ पे हमारा वही सेफ है जिससे कि हम यहाँ पे अपना एक्सटर्नल फेस ओनली हम कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फेस ओनली में यहाँ पे हमारा डलेगा, ठीक है एक्सटर्नल पे हमारा डलेगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट, ठीक है अब ये चीज होगी तो अब सिर्फ इसके बाद क्या रहेगा, देखो वॉल्स होगी, हुप रिइंफोर्समेंट भी होगी, हमारा कैंटिलीवर एक्शन भी होगा, सारा हमारा सिर्फ रह जाएगा बेस स्लैब। तो अब देखते हैं डिजाइन ऑफ बेस स्लैब, तो देखो ये आ गया हमारा डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। तो देखो इसका सबसे पहले स्टेप क्या, देखो प्रोवाइड थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 200 mm, तो हमने कहा कि जो हमारी बेस है ना उसकी हम थिकनेस हम कह रहे हैं 200 mm। देखो अब इसके एक चीज होती है, देखो ये सीधा प्रोवाइड करी जाती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो भी हमारी थिकनेस ऑफ वॉल होती है ना या तो उसकी जितनी ले लेना या फिर उससे ज्यादा, ये मत करना कि थिकनेस ऑफ वॉल तो हमारी मोटी होगी लेकिन हमारा बेस पतला होगा, तो ऐसा कोई मत करना, और 150 से कम तो आप ले ही नहीं सकते। तो हमने वही ले लिया कि चलो वॉल हमारी 200 mm की थी हमारी थिकनेस, तो वही हमने बेस की ले ली, तो 200 mm हमारी बेस आ गई थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। देखो मिनिमम एरिया ऑफ एनफोर्समेंट हमारी वही है कंक्रीट एरिया 0.3% ऑफ एरिया आएगा, ठीक है ना 0.3%, तो 0.3/100 हो जाएगा परसेंटेज का इंटू 200 × 1000, ठीक है बी आपको पता 1000 रहेगा, अभी हमने थिकनेस ली 200, तो यहाँ से आपका आ गया 600 mm², ठीक है। अब ये भी होती है हमारी ईच फेस पे, दोनों फेस पे होती है, ठीक है बेस आपका कभी वॉल एक सिंगल फेस पे हो ना हो, लेकिन आपकी बेस स्लैब में हमेशा आपकी दोनों साइड आपकी रिइंफोर्समेंट होगी, तो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट ऑन ईच फेस आपकी क्या आ जाएगी 600 / 2 आपकी 300 mm² आ गई। तो यूजिंग 10 mm डाया बार्स, तो हमने सारा यूज कर लिया था, बस 10 mm डाया बार्स तो हमने 10 भी ले लिया, 16 भी हो गया, 12 भी हो गया, 8 भी हो गया, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि चलो 10 ले, तो यूजिंग 10 mm डाया बार्स तो एरिया 1 बार हमारे 78 mm² आ जाएगा, तो हमारी स्पेसिंग आएगी 78 × 1000/300, तो जिससे कि हमारा पूरा प्रॉक्सी हमारा निकल जाता है 260 mm सेंटर सेंटर। मैं कहता हूँ 260 रख लो, अगर आपको 250 भी करना है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे 250 भी कर सकते थे। तो देयरफॉर प्रोवाइड 10 mm डाया बार एट 260 mm सेंटर सेंटर बोथ वेज एट टॉप एंड बॉटम। तो देखो बोथ वेज, देखो इसका बोथ वेज का क्या मतलब है, आपके जो हमारे वर्टिकल बार मतलब की जो ऐसे बार देंगे वो भी हमारे ऐसे होंगे, और जो हमारे अंदर को जाएंगे ना वो भी हमारे यही डलेंगे 10 mm डाया बार या 260 mm सेंटर सेंटर, तो तभी बोथ वेज का टॉप एंड बॉटम, तो टॉप पर भी और बॉटम पर भी सेम ही होगा, ठीक है ना, मतलब ये वाले बार जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार ऐसे भी जो हॉरिजॉन्टली ले करेंगे और हमारे जो ऐसे वर्टिकली ले करेंगे अंदर को ऐसे, वो भी हमारे 10 mm डाया बार या 260 mm सेंटर सेंटर की स्पेसिंग भी हमारे प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा पूरा डिजाइन ऑफ बेस स्लैब हो गया, लेकिन अब इसमें एक चीज और आ जाती है, जब जो हमारा रिजिड बेस होता है ठीक है उसमें हमारे हॉन्चेस आ जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो देखो ये आ गया हमारा हॉर्न्स रिइंफोर्समेंट, तो देखो हॉर्न्स रिइंफोर्समेंट आपके ऊपर एक इमेज आ गई होगी जिससे आपको पता चला कि हॉर्न्स रिइंफोर्समेंट होती क्या है, तो हमारे बेस पे प्रोवाइड करी जाती है। तो देखो आप कुछ इस तरह हमारी ऐसे लगी होती है, ठीक है हमारी कुछ इस तरह लगी होगी, ठीक है अब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है रिजिड बेस में होती है, फ्लेक्सिबल बेस में नहीं होती, कि फ्लेक्सिबल बेस में कैसे प्रोवाइड होगी, फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा तो रिजिड होता है, तो उसमें हमारी हॉर्न्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती है। देखो प्रोवाइड 150 mm × 150 mm हॉन्चेस एट द जंक्शन ऑफ वॉल एंड बेस स्लैब, तो हमने 150 mm × 150 mm के साइज की तो हमने हॉन्चेस प्रोवाइड कर दिया है। अब इसमें होती है रिइंफोर्समेंट, तो रिइंफोर्समेंट हमारी क्या होगी प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट 200 mm सेंटर सेंटर एज हॉर्न्स रिइंफोर्समेंट। तो हमने कहा कि ये एक तरह का थंब रूल ही लगा लो, कि थंब रूल लगा लो या फिर अजम्पशन लगा लो कि आपको यही लेना, आप सेम लेना। अब देखोगे मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने वहां पे भी 10 mm डाया बार्स एट 200 mm सेंटर सेंटर की स्पेसिंग पे लिया है, तो आप बस यही रखना 150 mm × 150 लेना और 10 mm डाया बार्स एट 200 mm सेंटर सेंटर रखना, ठीक है ऐसे हमारे ऐसे हॉर्न्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे भी हमारे रिइंफोर्समेंट ड्राइंग में, और हमारा एक फ्री बोर्ड प्रोवाइड करा जाता है जो कि हमारा प्रोवाइड है फ्री बोर्ड ऑफ 150 mm, तो फ्री बोर्ड हमारा यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड करा जाता है 150 mm, जिसके लिए एक हल्की स्पेस होती है ताकि हमारे ना कोई भी ऐसे कोई चीज कोई बंदा अगर गलती से फंस जाए तो वहां पे थोड़ी सी सांस लेने की जगह, और वैसे ही हमारा 150 mm यहाँ पे फ्री बोर्ड प्रोवाइड करा जाता है। तो अब इसके बाद देखते हैं हमारे रिइंफोर्समेंट ड्राइंग्स। तो देखो ये आगे हमारे रिइंफोर्समेंट डिटेल्स, तो देखो कैसे मैंने अच्छे से दिखाई है ना, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, जो भी आपको आगे क्वेश्चन आता है तो आपको आराम से ऐसे बनाना है,
ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज बता दो, देखो अब इसमें ना थोड़े रिइंफोर्समेंट डिटेल्स जब हम करते हैं ना तो थोड़ी कॉमन सेंस के साथ करनी होती है इसमें। कैसे? तो देखो अब आपको देखो कि यहाँ पे ये इस साइड में सारी हुप टेंशन लिखी हुई है, इसकी तरफ हमारी सारी कैंटिलीवर एक्शन लिखे हैं। देखो अब हुप टेंशन में देखो आपको पता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारी यहाँ पे आती है, तो देखो 12 डायर रिंग्स एट 110 mm सेंट्रल सेंटर, ठीक है, मतलब कि 110 mm सेंट्रल सेंटर में हमारी स्पेसिंग थी। देखो मैंने कितनी क्लोज रिलेटेड दिखाया है एज कम्पेरिजन टू 200 और 400, ठीक है ना। इससे आपको पता चलता है कि यार हमारी स्पेसिंग अलग अलग है। देखो अब 110 में आप देखोगे कि मैंने कितने क्लोज रिलेटेड करे हुए हैं। देखो आपको ये क्रॉस ही पता चल जाएगा, क्रॉस ये बताता है कि दोनों तरफ के हमारे सेम है, तो वह क्रॉस कितना पास है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा दूर होगा क्योंकि 200 mm सेंटर सेंटर स्पेसिंग आ गई। अब उसके बाद हमारी आ गई 400 mm की, 400 mm का देखो क्रॉस कितना बड़ा, तो बस ये थोड़ी सी कॉमन सेंस होती है, तो दोनों तरफ ऐसे सेम प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें क्लोज रिलेटेड है, इसमें थोड़ा सा और दूर हो गया और इसमें और दूर हो गया, ठीक है। इससे आपको पूरा स्पेसिंग आपने एक तरफ लिख दी, मतलब ये पूरा आपने रिइंफोर्समेंट एक तरफ लिख दी हुप की। और आते हैं कैंटिलीवर पे, देखो कैंटिलीवर के हमारे वर्टिकल बार्स है, देखो वर्टिकल बार्स मैंने यहाँ पे 16 डाया एट 250 mm सेंटर सेंटर हमारी स्पेसिंग, तो मैंने देखो इंटरनल फेस, देखो एरो का मतलब है इंटरनल फेस पे लगाया, ठीक है, हमने वाटर साइड करा था। और एक्सटर्नल फेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट दिखाई थी 8 mm डाया बार्स की, क्योंकि हमारे 180 mm सेंटर सेंटर है, ऐसे एक्सटर्नल पे दिखा दिया, ठीक है। 150 mm की मैंने फ्री बोर्ड का दिया, हमारा फ्री बोर्ड है। हाइट ऑफ वाटर हमारी 5 मीटर थी, देखो 5000 mm में आ गया। डायमीटर हमारा 12000 mm में आ गया, मीटर्स में करेंगे तो 12 मीटर आ गया। और हमारी थिकनेस आपको पता है 200 mm थी, 200 mm थी, ठीक है। अब आते हैं हम देखो बेस लैप पे, देखो बेस लैप पे देखो सारे इन्फोर्समेंट हमारे 10 डाया एट 260 mm सेंटर सेंटर हमारी प्रोवाइड होनी थी, तो मैंने सारे एरोस दिखा दिए, देखो इस पे भी दिखा दिया, इस पे भी दिखा दिया, ये एक्सटर्नल पे भी दिखा दिया, इंटरनल पे भी दिखा दिया, तो सब पर आपको ऐसे एरोस दिखा देने। और सिर्फ लास्ट चीज हमारी क्या रहती है, हमारी हॉर्न रिइंफोर्समेंट। देखो हॉर्न मैंने एक तरफ दिखा दी कि 150 to 150 mm की प्रोवाइड करनी है, और एक तरफ मैंने दिखा दी रिइंफोर्समेंट क्या प्रोवाइड करनी है, 10 डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ऐसे आपको सारे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, इसी के मार्क्स है, ठीक है। स्टेप्स के तो जितने हैं उतने इसके भी है, तो इसके लिए ऐसे ही आपको पूरा नीट एंड क्लीन बनाना, आपको पेंसिल से बनाना है, पेंसिल बनाना है वो आप पर है, पर ऐसे पूरा नीट हो, तो इससे हमारा ये पूरा क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा पूरा एक क्वेश्चन खत्म होगा, डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद अप्रोक्सीमेट मेथड। ये था हमारा आज का लेक्चर, डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विद रिजिड जॉइंट बिटवीन फ्लोर एंड वॉल, कौन से मेथड से? अप्रोक्सीमेट मेथड से। तो हमने एच कारपेंटर्स मेथड हमने करा हुआ है, और फ्लेक्सिबल जॉइंट वाला भी हमने करा, तो उनके लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और आईएस कोड मेथड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सीनियर साई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।